नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे खास करके तो रिलायंस पावर की। वीडियो बनाने वाला था लेकिन फिर सोचा कि टाइम जीटीएल इंफ्रा, फिर उसके बाद यहां पे हम लोग चेक करेंगे तो आ जाएगा रतन पावर, जेपी पावर, इन तीन की वीडियो छूट जाएगी। फिर टाइम भी बहुत, अब 5 बज ही चुका है, 2 वीडियो और बना पाऊंगा तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत था। इसलिए सोचा कि सभी को एक ही शेयर में कवर कर देते हैं, यहाँ पे रतन पावर और साथ में हम लोग यहाँ पे इसके बारे में, जयप्रकाश पावर के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, रिलायंस पावर, रिलायंस पावर में एक खबर आई थी कल, जो मैं आपको एक वीडियो बनाया था कि 500 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, अभी और तेजी होगी। इस तरह से इसमें तेजी देखने के लिए मिली थी और एक ऑर्डर मिला था। ये वाली वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लियर किया हूँ। देखिए, वेबसाइटों पे फ्लैश कर रहा था कि 500 मेगावाट का इन्होंने ऑर्डर जीत लिया है, बोली रिवर्स बोली के तहत। लेकिन वो न्यूज़ जो है एनएससी की वेबसाइट पे फ्लैश नहीं कर रही थी, मतलब एनएससी की वेबसाइट पे उसका अपडेट नहीं आया था। उसी अपडेट के लिए, उसी न्यूज़ के लिए यहाँ पे न्यूज़ वेरिफिकेशन एक्सचेंज ने एनएससी जो है न्यूज वेरिफिकेशन मांगा कि भाई 500 मेगावाट का आपको ऑर्डर मिला है, ऐसी यहाँ पे जो है न्यूज निकल के सामने आई है, आप क्या कह रहे हो। क्योंकि एक्सचेंज पे सबसे, कोई भी न्यूज आनी चाहिए सबसे पहले एक्सचेंज पे आनी चाहिए, उसके बाद ही कहीं वेबसाइट पे बताओ, पब्लिक में बताओ, मीडिया में बताओ, बता सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको न्यूज जो है, मतलब सेबी के रूल के अनुसार, एक्सचेंज पे देनी चाहिए, जिस भी एक्सचेंज पे आपकी लिस्टिंग है। इन्होंने ऐसा नहीं किया था तो यहाँ पे इनसे जो है क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि क्या बात है, बताइए। उसी 500 मेगावाट के आर्डर के लिए अब इन्होंने उसका जवाब दिया। जवाब क्या दिया है मैं वहाँ पर पढ़ देता हूँ। देखिए, यह दिनांक 16 सितंबर 2024 के आपके संचार के संदर्भ में कंपनी, जिस समय कंपनी से रिलायंस पावर को 500 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण अनुबंध मिला, समाचार पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके जवाब में कंपनी कह रही है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विभिन्न निविदाओं में भाग लेती है, मतलब ये कहती है कंपनी की, जो भी टेंडर इशू होता है हम उन टेंडर में भाग लेते हैं। हम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI द्वारा आमंत्रित 500 मेगावाट और जो है 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS स्थापित करने के लिए चयन अनुबंध में भाग लेने की पुष्टि करते हैं और इस संबंध में आगे की सूचना की प्रतिष्ठा करें। अब यहाँ पे समझिए क्या है, इन्होंने ये तो स्वीकारा है कि हम जो है टेंडर में भाग लिए थे, मतलब उस टेंडर में यहाँ पे बैटरी स्टोरेज की सुविधा में अनुरोध में हम जो है भाग लेने की पुष्टि करते हैं। मतलब इन्होंने टेंडर तो मतलब लगाया है, लेकिन वो टेंडर इनको मिला है, क्योंकि इस न्यूज में कहा जाया गया था कि 500 मेगावाट का बैटरी भंडारण अनुबंध इनको मिला है। इसमें ये कह रहे हैं कि हमने टेंडर लगाया है लेकिन टेंडर हम ही को मिला है, ये अभी हमको नहीं पता है कि मतलब जब तक ये किसका है, यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जब तक लोअर बिडर घोषित नहीं हो जाते हैं या फिर किसने बिड जीती है ये घोषित नहीं हो जाता है, तब तक अभी ये पुष्टि नहीं कर सकते कि इनको ये ऑर्डर मिला। क्योंकि ये तो उड़ती उड़ती बात होगी ना कि ऑर्डर किसको मिला, जबकि इनको पता ही नहीं है तो फिर कैसे बता दें कि हमको ये ऑर्डर मिला है। तो ये बात है, तो टेंडर में इन्होंने टेंडर लगाया है, ऑर्डर मिला है नहीं मिला इसका यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 4.5 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू 140 करोड़ रुपये आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 43% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। आज इसमें देखेंगे 0.25% की तेजी देखने के लिए मिली क्लियरिफिकेशन के बाद। आज गैप अप के साथ ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट किया, नीचे रिकवरी करके ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, इसमें मेरा व्यू क्लियर है, 31 रुपये के ऊपर है, ऊपर मान के चलिए, नीचे नीचे, अब बिल्कुल 20 DMA के ऊपर ये जा चुका है, लगभग लगभग जा चुका है, लेकिन अब सस्टेन करना बाकी है। ये देखिए 20 DMA इस तरह से अब इसके नीचे आ चुका है और ये ऊपर, अब यहीं पे अगर 5-6 दिन और सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक तेजी की संभावना बन सकती है, या फिर यहाँ से कंटिन्यू भी भाग सकता है, ऐसा नहीं है तो देख लीजिएगा।
मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी करने का भी पहले से ही आप लोगों को दिया हूँ, क्योंकि मैं जब भी इन चार शेयर में बताता हूँ, इनमें सबसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे सबसे जो अच्छा दिखता है वो रिलायंस पावर ठीक दिखता है। भले ही अनिल अंबानी पे बैन लग गया है, लेकिन ठीक है, ये मुझे शेयर बढ़िया दिखता है। इसमें आप जो है 27 रुपये के नीचे का भी, 27.5-28 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है तो 24 रुपये के भी नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। अब जीटीएल इंफ्रा में क्या हुआ, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज गिरावट आ गई है और लगातार गिरावट आ रही है। आज भी इसमें कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में शामिल है। 5.6 करोड़ इक्विटी से, टोटल 5.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है। 14 करोड़ रुपये के शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे, 50% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज आया है। मार्केट भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, 35-40 पॉइंट का जो है तेजी दिखा रहा है। आज का इसमें कोई अपडेट नहीं है। चेंज इन मैनेजर, 3 मैनेजर चेंज हुए थे डायरेक्टर, वो मैं अपडेट आप लोगों को दिया था। आज थोड़ी सी गैप अप अपने गिरावट फिर से रिटेस्ट किया कल के क्लोजिंग प्राइस को, और फिर यहाँ से जो है एक गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। मेरे हिसाब से देखिए इसमें अभी दिक्कत रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा घूमेगा तो ये पूरा घूम जाएगा। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे तो 1.5% दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का सपोर्ट लेवल था वही 2.5 रुपये का। अब 2.5 रुपये के लेवल को भी ये जो है नीचे नीचे के साइड में ब्रेक करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। मैं आपको पहले से भी अलर्ट किया हूँ कि इसमें जो है थोड़ा गिरावट आएगा, और 2.20 रुपये तक ये नीचे के साइड में आ सकता है। तो जब भी स्टॉप लॉस फॉलो करें 2.20 रुपये का, और उसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करें, तभी आप लोग लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं पे रतन पावर का बात करेंगे। रतन पावर में भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। एसएम के स्टेज 3 में तो आ चुका है, अभी स्टेज 2 में नहीं आया है। बहुत जल्दी ये स्टेज 2 में भी आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ भी देखिए आपके अकताने से या मेरे अकताने से या किसी के भी अकताने से कुछ नहीं, जो एक्सचेंज को करना है वो अपने आप करेंगे। 20 सितंबर 2024 में आप लोगों को एक डेट बताया हूँ, बहुत 90% भरोसा है, 90% संभावना है कि एसएम के स्टेज 2 में आ जाएगा, और हो सकता है तो सर्किल लिमिट 20 का 5% से बढ़ के 10% हो जाए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। 1 करोड़ इक्विटी से आज टोटल ट्रेड हुआ है इसमें। 15 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज तो शानदार है, 77% से ज़्यादा का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत 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 शानदार देखने के लिए मिल रहा। देखिए चार्ट पे बिल्कुल ये भी साइडवेज किया है, कहीं ना कहीं एक साइड में मोमेंटम इसका आएगा, तभी कुछ होगा। हालांकि ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो अगर लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो लगभग लगभग ब्रेकडाउन नीचे का ही दिया है। जब तक आप इस लाइन को ऊपर के साइड में ब्रेक करके या फिर 16 रुपये के लेवल को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन ना करें, तब तक गिरावट का भी इसमें थोड़ा सा रहने वाला है। नीचे के साइड में 14.5 रुपये 13.5 रुपये तक की गिरावट कर सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बन रही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी साथ में बात करेंगे यहाँ पे रतन पावर के बारे में, जेपी पावर के बारे में। देखिए जेपी पावर का भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जेपी पावर का भी फ्लैट ट्रेडिंग हो रहा है, जितना इसमें जो है 0.17%, और निफ्टी में भी देखेंगे 0.14%, लगभग लगभग फ्लैट दोनों ट्रेड कर रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 23 करोड़ रुपए के शेयर टोटल आज बाय सेल हुए हैं। 60% भाई रतन पावर में, और इसमें जबरदस्त डिलीवरी परसेंटेज है, 60% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिला है। हाल फिलहाल में ये भी कोई इसमें अपडेट नहीं आया है, फ्लैट ओपनिंग देके गिरावट किया, सस्टेन किया, और एक तेजी फिर से जो है उसी क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। कोई मीटिंग डेट नहीं, कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को नहीं मिला। चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा निगेटिव व्यू है, और थोड़ा सा ये भी वीक दिख रहा है। मेन व्यू तो इसमें तभी आएगा जब 19 रुपये का लेवल ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा, 18.5-19 रुपये के जोन में जाएगा तब, नहीं तो जब तक ये 17.5-17 रुपये के नीचे रहेगा, इस वाले लेवल के नीचे नीचे रहेगा, तब तक इसमें दिक्कत रहेगा, गिरावट की संभावना रहेगी, और 16 रुपये तक नीचे एक साइड में जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगी। फिलहाल में होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी बिकवाली वाला यहाँ पे व्यू अभी फिलहाल में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बिकवाली करने के लिए जो मेरा व्यू था वो 18 रुपये पे था, खरीदारी करने के लिए जो व्यू था ये यहीं पे था। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे कि किधर मोमेंटम कर रहा है,
उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।